मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में 46वीं अखिल भारतीय हॉट वेदर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में देशभर की 7 फुटबॉल टीमें भाग ले रही हैं। फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ उपायुक्त मंडी मदन चौहान ने किया। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में रेलवे प्रोजेक्शन फोर्स कोलकाता, फ्लाइंग उर्फ फुटबॉल क्लब मंडी, हरियाणा यंग्स हिसार, करनी फुटबॉल क्लब बीकानेर, चंडीगढ़ यूनाइटेड क्लब चंडीगढ़ और युवा स्टार फुटबॉल क्लब पठानकोट की टीमें भाग ले रही हैं। शुभारंभ के मौके पर फुटबॉल आयोजन समिति ने मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी भेंट कर उनका स्वागत किया। फुटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त मंडी मदन चौहान ने कहा कि जो खिलाड़ी बाहर से हिमाचल प्रदेश में आए हैं वे यहां की सुंदर वादियों का आनंद लें। साथ ही उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों से खेल को खेल की भावना से खेलने का आग्रह भी किया। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाली इस फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन 19 नवम्बर को किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे। अपनी तरफ से और कमेटी की तरफ से आने वाले सभी प्लेयरों का बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छा खेल जो है यहां के खेल प्रेमियों को देखने के लिए प्रस्तुत करेंगे और खेल जो है वो खेल भावना से खेलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार कमेटी का मैं पूर्ण धन्यवाद करता हूं और सभी प्लेयरों का यहां आने पर स्वागत करता हूं। और साथ ही जो है आई डिक्लेयर द 46th हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट ओपन।